पोटेंशियल एनर्जी हम पहले पढ़ चुके हैं, बट हमें अब ये पढ़ना है कि पोटेंशियल एनर्जी में कोई कोई सिस्टम है, कई सिस्टम में बहुत सारे या दो से अधिक चार्ज पार्टिकल होते हैं। उन चार्ज पार्टिकल की वजह से अगर हम उन पर वर्क करें तो वो चार्ज पार्टिकल उस वर्क को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। वो स्टोर करना पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हमने इस यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस पर ऐसे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर हमने इस पर वर्क किया, वर्क करने की वजह से इस पर एक एनर्जी आ गई, ठीक है। हमने तो काम कर दिया अपना, हमने तो पॉजिटिव वर्क किया, बट ये अपनी सिचुएशन को ऑलवेज बनाए रखने के लिए इसने उस एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, रख लिया अपने पास में। अगर वो अपने पास एनर्जी को रख लेगा, ठीक है, अगर वो अपने पास एनर्जी को रख लेगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, खाएगा, जेब में रख लेगा या जमा कर लेगा, बताओ क्या करेगा। एनर्जी उसने सेव कर ली, जैसे आप पैसे सेव कर लेते हो, बाद में क्या करते हो, खाते हैं, खर्च कर देते हैं ना। तो वो एनर्जी खर्च करेगा, ये भी एनर्जी खर्च करेगा। तो इसने एनर्जी को अपने पास रख लिया है और उस एनर्जी को वो रिड्यूस करेगा, बाहर करेगा। जब वो इस एनर्जी को बाहर करेगा तो वो एनर्जी किस फॉर्म में इसने ली होगी, मानो सोचो। अगर हमने इस पे 10-10 जूल का वर्क किया है पॉजिटिव में, तो इसने एनर्जी किस फॉर्म में सेव की होगी अपने पास, जबकि इसके पास में एनर्जी ज़ीरो थी। नेगेटिव फॉर्म में सेव करेगा ना एनर्जी, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अगर टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के आते हैं तो उसका जो वर्क होता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है। वैसे अगर हम इस पर कोई वर्क करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर वर्क करेगी तो इस पर जो एनर्जी जो सेव होने वाली है, जो रखने वाला है, वो एनर्जी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। हम तो वर्क करेंगे वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसलिए जो हमारे पास एनर्जी का फॉर्म है, जो पोटेंशियल एनर्जी वो होती है डी यू इज्क्वल, ये तो होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज्क्वल नेगेटिव का वर्क, ये तो होता है जो सेव करता है चार्ज। तो हमने मान लिया हमारे पास में दो या दो से अधिक चार्ज पार्टिकल हैं और उन चार्ज पार्टिकल पर पोटेंशियल एनर्जी वर्क करानी है। तो हम सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, हमारे पास जो ऐसा एक एग्जांपल हम लोग पोटेंशियल के भी पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल के लिए। तो पोटेंशियल क्या होता है, वी इज्क्वल डी यू बाई डी क्यू होता है, डी डब्ल्यू बाई डी यू ऐसा होता है, वी इज्क्वल पोटेंशियल हो गया ये। तो हमने मान लिया हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, उस रेफरेंस पॉइंट पर क्यू वन चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, या सोर्स चार्ज मान लो रखा हुआ है, ओके। अब हमने माना कि हमारे पास यहाँ पर आर वन डिस्टेंस पर एक चार्ज है क्यू टू, क्यू थ्री, ये आर टू डिस्टेंस हो गई, क्यू फोर, ऐसे करके मान लो क्यू एन पार्टिकल रखे हुए हैं, इसकी डिस्टेंस है आर एन, ठीक है। तो अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा आगे लेके आएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, इधर लेके जाएंगे तो भी वर्क करना पड़ेगा। इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितनी है, ठीक है। तो इस सोर्स चार्ज ने अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बनाई, वो है यू वन, यू टू, यू थ्री, ऐसे करके बढ़ते जाओ। तो हमने मान लिया ये पोटेंशियल है यू टू, ये यू थ्री, यहाँ पर यू फोर और यहाँ पर यू एन, ठीक है। अगर हमारे पास में एक सिस्टम, एक कमरे में पांच बॉल्स रखी हुई हैं, पांच बॉल, एक बॉल का जो प्राइस है 2 रुपये, तीन, फिर एक, फिर एक, कितने टोटल हो गए, 4, 7 हो गए ना, 7 हो गए। कैसे निकाला आपने, सबको ऐड कर दिया, तो यू टू, यू थ्री, यू फोर, यू एन, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज्क्वल यू टू, यू थ्री, यू फोर, यू एन, ठीक है, कितने भी चार्ज पार्टिकल क्यों ना हो। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्म लिखा हुआ है, यहां से यू कितना हो जाएगा, इतना तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अब वी क्या होता है, सोर्स चार्ज ने जो जो पोटेंशियल बनाया है वो क्या होता है, यहाँ पर क्यू वन हो गया पहले, तो
ठीक है, क्यू वन। दूसरा इसने बनाया ना क्यू टू बाई डिस्टेंस कितनी, आर वन। दूसरी बात, अगर हमने रेफरेंस पॉइंट सिर्फ एक माना है कि एक ही चार्ज एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है तो सिस्टम में ऐसा ही रहने वाला है, नहीं तो ये चार्ज इसको भी इफेक्टेड कर सकता है और करता भी है, ठीक है। तो इस पर एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, वो हमने मान ली यू फोर हो गया, ये मान ले यू वन, ठीक है, ये तो हो गया। अब ये इस पे इफेक्टेड करेगा, ये इसको हम मान ले यू फाइव, ये करेगा यू सिक्स, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यू एन पार्टिकल के लिए, हम तीन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, चार पार्टिकल, एक दो तीन चार, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए, छः। ये आपका फॉर्मूला रेफरेंस पॉइंट के लिए था, बट जब इस तरह का सिस्टम होगा तो उस पर इतनी एनर्जी लगेगी। अभी आगे मैं एक न्यूमेरिकल बताता हूँ, सुनने आ जाएगा, ठीक है। क्यू वन क्यू टू बाई आर, ये इतना है, आपको यही फॉर्म लिखना है नॉर्मल तरीके से। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक आपके एन सी आर टी बुक में एक वो दिया हुआ है एग्जाम्पल, वो देखो जरा, दिया हुआ है 2.4। उस 2.4 पर एग्जाम्पल है 2.4, 2.4, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक रेक्टेंग एक स्क्वायर बनाया गया है, ये ऐसा करके ले लो, ठीक है, इतना है इसका। एक तुम पहले ये समझ लो, मैं सिंपल करके बताता हूँ तुम्हें। ये इसकी डिस्टेंस ए मान लो, ये ए और ये ए, तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्यू रखा हुआ है चार्ज, यहाँ पर क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर भी क्यू और यहाँ पर भी क्यू, ठीक है, इतना हो गया। अब इस पे सोचो सिस्टम कितने हैं, एक सिस्टम है पूरा का पूरा, इस एक सिस्टम में चार पार्टिकल हैं, चार चारों पर पॉजिटिव के क्यू चार्ज दिए हुए हैं। तो इस पर जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो कैसे बनने वाली है, तो देखो इस क्यू की वजह से इस क्यू पर एक रिपल्सन का फोर्स लगेगा, ठीक है, ये इधर भागने की कोशिश करेगा, ये इधर भाग सकता है, समझते रहना। ये एक सोर्स चार्ज मान लिया हमने, इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये इधर भाग सकता है, ठीक है। दूसरा ये भाग सकता है, रिपल रिपल हो सकता है, ये रिपल हो सकता है, ओके। कितनी एनर्जी हो गई, तीन, यू वन यू टू यू थ्री, ठीक है। इसने अब हम इसको सोर्स चार्ज माने तो ये कितनी एनर्जी अप्लाई करेगा, इस पे तो लग चुकी है एनर्जी, ठीक है, इस पर दो। तीसरा इस पर आ जाओ, इस वाले ने इस पर लगाई और सबका तो हो गया, कैसे समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। तो देखो ये दो चार्ज हैं, ये चार्ज इस पर रिपल्सन लगा सकता है, ये इधर जा सकता है, ठीक है, ये चार्ज इस पर रिपल्सन लगा सकता है, इधर जा सकता है, ठीक है। एक एनर्जी हो गई यू वन, ठीक है। दूसरी एनर्जी, इस चार्ज ने इस पर रिपल्सन लगाया होगा, ये इधर जा सकता है और ये इधर जा सकता है, यू टू, ठीक। इस चार्ज पार्टिकल ने इस पर रिपल्सन इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, यू थ्री, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल ने जितना भी अपना वर्क किया है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब हम इस पर बात करते हैं, हम जब इस चार्ज पार्टिकल के पास आए तो इस चार्ज पार्टिकल ने इस पर अपना फोर्स, मतलब क्या कहते हैं, अपना फोर्स दिखा दिया था कि हम इतना फोर्स लगा सकते हैं आप पर, तो इसकी एनर्जी तो ख़त्म हो गई इस चार्ज के लिए, बट इसने इस पर हम लोगों ने नहीं देखा अभी, तो ये चार्ज पार्टिकल इस पर एक एनर्जी लगाएगा, वो एनर्जी है यू फोर, ठीक है, इतना। अब ये इस पे भी लगा सकता है, ये इस पे लगा सकता है, तो इस पर अलग कितना हो जाएगा, यू फाइव, ठीक है। इसकी इसकी खत्म हो गई, इसका इसका। अब ये चार्ज पार्टिकल पे आ जाओ, ये चार्ज पार्टिकल इस पर लगा सकता है, इस पर नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि तो इसका तो हो चुका है ना पहले से, तो यू सिक्स, ये यू हो गया आपका। अब अगर मैं इसे सिंपल तरीके से डिफाइन करूं तो सभी चार्ज पार्टिकल का, सभी चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर एक एनर्जी अप्लाई करते हैं, सभी चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर एक एनर्जी अप्लाई करते हैं,
तो देखो कितने सिस्टम बन सकते हैं यहाँ से, सिर्फ छह बन सकते हैं, एक इन दो का दो तीन चार, चार हो गए। चार के बाद बताओ कैसे बनेगा। अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये चार, यहाँ पर एनर्जी यू वन यू टू यू थ्री यू फोर, ठीक है, इतना हो गया। अब ये वाला चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल यू फाइव, ये वाला चार्ज पार्टिकल, ये वाला चार्ज पार्टिकल यू सिक्स, बस। और कोई भी लाइन बन सकती, देखो नहीं बन सकती ना, तो छह टाइप की हो गई। ऐसे ही ट्राइंगल पे आ जाओ, ये है क्यू क्यू क्यू, कितनी एनर्जी होंगी इसमें, तीन होंगी ना, एक डिस्टेंस दो तीन, बस तीन। तो यू इज इक्वल यू वन यू टू यू थ्री। अब यहाँ पर वैल्यू कैसे आएगी सोचो, तो यू वन कितना है यहाँ पर तुम्हारे पास, यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू वन क्यू टू बाई आर, ठीक है। तो देखो यू वन यू वन यू वन और यू वन, ठीक है ना, चारों बराबर है कि नहीं बराबर है बताओ। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू 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 स्क्वायर हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया के क्यू स्क्वायर बाई ए, इसका के क्यू स्क्वायर बाई ए, इसका के क्यू स्क्वायर बाई ए, इसका के क्यू बाई ए, ठीक है। तो चार एनर्जी के इक्वल कितना हो गया इस स्क्वायर के लिए, ऐसा एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, तो ये हो गया हमारा 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए। क्या हमारा आंसर करेक्ट है बताओ, अभी नहीं ना, अभी थोड़ा सा रह गया, क्या रह गया, अभी ये डिस्टेंस रह गई, ये डिस्टेंस रह गई, ठीक है। दोनों डिस्टेंस सेम है इसलिए इन पर कितना कितनी एनर्जी लगने वाली है। तो देखो ये ए है, ये ए है, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ो कितना हो गया, 2a² हो गया, तो कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा ना। तो ये u हो गया प्लस का 2 के q² बाई 2 √ सॉरी a, इतना हो गया, ये तो आएगा। देखो क्या कॉमन है इसमें, क्या बच रहा है, अब 4 बच रहा है, 2/√2 ये कैंसिल कर लो तो हो जाएगा 4 + √2, ठीक है। ये एक बेसिक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा दिया हुआ है, बस उसमें वैल्यू पुट करनी है। बताओ ए पर कितना चार्ज दिया हुआ है, प्लस क्यू हो गया, बी पर माइनस क्यू, ठीक है, इस पर प्लस क्यू होगा, इस पर, ठीक है। यू वन कौन सी एनर्जी मिलने वाली है हमको, यहाँ पर देखो डिस्टेंस सबकी एक है ना, डिस्टेंस कितनी दी है, डी, ओके। नेट एनर्जी पूछा है इसने, ठीक है, और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा है, यहाँ नहीं बनाया मैंने, यहाँ सेंटर पर कितना वर्क करना पड़ेगा, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, तो फर्स्ट है, इतना है। यहाँ पर देखो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव और फिर नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास 4 के q² बाई d, ठीक है ना, इतनी यू वन यू टू यू थ्री यू फोर, यू वन की वैल्यू कितनी है क्यू स्क्वायर निगेटिव का बाई डी बाई डी, ये हो गया प्लस। अब ये डी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, है d√2 और ये कितनी आ जाएगी, d√2, बताओ आ जाएगी ना। देखो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो एनर्जी कितनी मिलने वाली है सोचो, 2 के q² पॉजिटिव है ना,
बाय रूट टू डी। क्लियर? क्या कॉमन हो रहा है इसमें? आपने इतना ये पढ़ लिया इसलिए इजी हो गया, ठीक है, नहीं तो ये बहुत टफ बनने वाला था। अब के क्यू स्क्वायर बाई डी, के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन कर लिया, यहाँ कितना बचेगा बताओ? निगेटिव का 4 बच गया, ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? रूट टू। आई थिंक इतना आंसर आ रहा है आपका, देख लीजिए, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा टफ दिया हुआ है समझाने के लिए, बट इसको आप ऐसे लगाइए ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके आगे इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, नहीं नेट एनर्जी कितनी है, सॉरी क्या पूछा है देखो जरा, उसमें सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा है, एनर्जी हाँ वर्क। हाँ देखो, इस निगेटिव ने एक पोटेंशियल बनाया, एक पॉजिटिव ने बनाया, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, नेट चार्ज कितना है यहाँ पर? 0 है नेट चार्ज। तो निगेटिव ने निगेटिव पोटेंशियल बनाया, दो निगेटिव के हैं दो पॉजिटिव के हैं, नेट पोटेंशियल कितना हो गया? 0, ठीक है। अगर नेट नेट चार्ज 0 है सेंटर पर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इसकी इधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए यहाँ पर 0, ये प्लस इधर रिपेल करेगा इधर जाएगा 0, इसलिए यहाँ पर वर्क कितना हो जाएगा? 0, ठीक है ना। पोटेंशियल से बात कर लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया पोटेंशियल से, निगेटिव पोटेंशियल दिया है यहाँ पर, मान लो निगेटिव पोटेंशियल यहाँ बनाया इस चार्ज ने 3 निगेटिव का, इसने बनाया 3 निगेटिव का, कितना हो गया? 6 निगेटिव का। इसने बनाया पॉजिटिव का 3, इसने बनाया पॉजिटिव का 3, कितना हो गया? 0। अब पोटेंशियल आपका है 0, वर्क के फॉर्म में लगा दो इस वाले फॉर्म में, तो वी इज्क्वल डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, 0 इंटू डी क्यू बराबर डब्ल्यू, चलो गुणा करो 0 आ जाएगा। अच्छा चलो 0 हो गया, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसके आगे आपको आई थिंक कोई एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, एक ट्रायंगल का चाहो तो देख सकते हो, मैंने यहाँ बताया है पहले से ही ये, तो इसके पास एनर्जी हो जाएगी 3U1, सब डिस्टेंस है 3Q² × K/R, ठीक है। ऐसे करके आप देख सकते हो, बहुत ही रेक्टेंगुलर ले लो, कुछ भी डिस्टेंस ले लो, पेंटागोनल ले लो, हेक्सागोनल ले लो, सबका बना सकते हो। ओके, थैंक यू।